तो दोस्तों कैसे आप लोग, आशा और उम्मीद यही करता हूँ कि आप स्वस्थ हों, मजबूत हों और अच्छे हों। आज आपको मैं बेस के लिए एक ऐसा सूत्र देके जाऊंगा जिससे आपके बेस को या आपके सेटअप में लगे हुए बेस को कोई भी हिला ना सके, आपको नीचा दिखा ना सके। तो सूत्र की शुरुआत करने से पहले दोनों हाथ जोड़ के सभी भाइयों को मेरा राम राम। दोस्तों बहुत ही कम शब्दों में आज सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम आज देखने के आए हुए हैं। आज हम देखने के लिए आए हैं 21 इंची का स्पीकर, डायमीटर जिसको हम कहेंगे 21 इंची का डायमीटर है। वॉइस कॉइल की बात की जाए 5.5 इंचेस की वॉइस कॉइल है। पावर की बात की जाए, इसकी पावर कहीं पर जाके स्टैंड करती है 5000 वाट। और अगर शुरुआत की बात की जाए, आरएमएस पावर भी काफ़ी हैवी है 2500 वाट। लेकिन मैंने आपसे कहा था मैं आपको एक सूत्र दे के जाऊँगा, तो आज पहले सूत्र सुन लीजिए। आप कहीं पर खड़े हैं किसी के सेटअप के सामने और आप उसका बेस फील कर रहे हैं, तो उस फीलिंग के पीछे काफ़ी सारी चीज़ें, टेक्निक यूज़ की जाती है, वो टेक्निक आपको सुननी चाहिए। हम कभी भी किसी भी कंपटीशन को जीतने के लिए एक प्रकार की बेस लगाएं और उससे कंपटीशन जीत जाएं, ऐसा संभव बहुत कम मायनों में है। ऐसा संभव जब ही है जब हमारे सामने वाली पार्टी काफ़ी हल्की हो। लेकिन सामने वाली पार्टी अगर अच्छी है, टेक्निकल नॉलेज रखती है, तो मैं आपको आज जो सूत्र दे रहा हूँ वो आपके काम आएगा। तो आज बात की जाएगी अटैक की, और अटैक होगा पूरे के पूरे 21 इंची के स्पीकर के साथ, 5.5 इंची की वॉइस कॉइल। और सब कुछ दिखाने से पहले, बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर सूत्र समझ गए हो, अपने सेटअप के अंदर 3 लेयर का बेस का सिस्टम बनाइए। 4 इंची भी रखिए, 5 इंची भी रखिए, और उससे ऊपर 6 इंची भी अवेलेबल हो तो 6 इंची तक अगर आपका बजट अलाउ करता है वो रखिए। अब आ जाते हैं आज के स्पीकर के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास जो स्पीकर अभी अवेलेबल है वो है दासका कंपनी का। अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो इंजीनियरिंग इसकी कहीं पर जर्मनी से आती है, और जर्मनी को अगर आप लोग देखें तो टेक्निकल फील्ड में काफ़ी अच्छी है। अपने मतलब जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो भी गैजेट्स होते हैं, काफ़ी हाईली रिकमेंडेड होते हैं। तो अब हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, बॉक्स से बाहर निकाल के स्पीकर को देख लेते हैं। दोस्तों आइए चलिए चलते हैं, और चलकर सबसे पहले अपने बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। इसकी अगर देखा जाए ना, बॉक्स की पैकेजिंग सबसे पहले मैटर करती है। एक चीज़ मैं आपको इसमें खास बता देता हूँ। देखिए पहले इसकी बेल्ट को हम लोग हटा देते हैं। अब ये चीज़ मेरे पास आई है, ये जो चीज़ है इससे एक काफ़ी कंपनी जो है ना यहाँ पर लकड़ी का यूज़ करती हैं, लकड़ी इन द सेंस वुड का इस्तेमाल करती हैं। उससे क्या पेड़ भी कटते हैं, नुकसान हम काम कोई भी करें लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति को ना रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये चीज़ मैं इसे काफ़ी अच्छा मानूंगा कि पैकेजिंग कुछ इस तरीके की, एक तो हैवी पैकेजिंग है, यानी कि हमारा जो मटेरियल है वो हमारे पास स्वस्थ तरीके से, अच्छी तरीके से पहुंच जाएगा, और पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है। और अब हम लोग इसकी जो ऊपर की पैकेजिंग है जिसकी बात कर रहे हैं, इसको हम लोग कहेंगे बिल्कुल हैवी वाली कर रखी है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसकी वाटर प्रूफिंग को हम लोग हटा लेते हैं एक बार। ये इसकी वाटर प्रूफिंग एक बार रिमूव कर दी हम लोगों ने। अब फर्स्ट टाइम जैसा मैं इस स्पीकर को देखूंगा, कुछ उसी तरीके से मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस स्पीकर पे एक नज़र मारें और देखें। एक खास बात और है दोस्तों, कभी भी कोई आइटम हम आपको दिखा रहे हैं, कोई चीज़ आपको दिखाई जा रही है, उसके साथ में एक चीज़ और जुड़ी होती है। पर्पज़ ये नहीं है कि आप स्पीकर को खरीद लीजिए, पर्पज़ ये नहीं कि हाँ आप इस चीज़ को अभी के अभी ले लीजिए। अगर आप स्टैंड करते हैं कहीं पर, अभी शुरुआत है, तो इन चीज़ों से बचिए। जब आप अच्छा पैसा अर्न कर लेते हैं, एक आपकी पॉकेट मजबूत हो जाए, जब जाके इन चीज़ों के ऊपर आप आइएगा। देखने में क्या जाता है, देखनी हर चीज़ को चाहिए, अच्छी चीज़ देखने का मन होता है ना। तो चलिए अब इसमें एक बात हल्की सी मेरे मन में आई है कि यार हमने ना कोई बिल्डिंग देखने के लिए गए, हमारी कोई ये थोड़ी ना कि हमें जाके बिल्डिंग खरीदनी है या बिल्डिंग बनानी, लेकिन दिल में कहीं है कि हाँ वहाँ तक पहुँचना है, आपको यहाँ तक आना है, ये चीज़ें खरीदनी है, ये निश्चित है। लेकिन आज की डेट में सिर्फ आप इसे देख के जाएँ और इसको बताएं कि कैसा है। तो आइए इसको और ओपन कर लेते हैं। डबल पैकेजिंग दी हुई है, और डबल पैकेजिंग के साथ आप समझ सकते हैं कि ज़रूरी भी है मजबूती। काफ़ी ह्यूज साइज़ है 21 इंची, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप मान के चलिए कि ये जो मेरी बाजू है इनके दायरे के हिसाब से ये काफ़ी
साइज बड़ा है। अब इसको हम एक बार निकाल लेते हैं, ऊपर निकालने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर है, इसके जो पैरामीटर्स हैं, इसकी जो गोल्स हैं, इसकी जो अच्छाइयां हैं और जो बुराइयां भी हैं वो भी आपको बताई जाएंगी। तो आइए चलिए चलते हैं और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले जब हम इस स्पीकर को निकाल के बाहर लाते हैं ना, तो इसकी जो विशालता है उसका अंदाज़ा हो जाता है। क्योंकि मान के चलिए अभी तक जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसके बाद एक बड़ी चीज़ हमारे पास आ जाती है तो एक अलग ही खुशी होती है। तो हम लोग अभी तक मान के चलिए 7-8 साल की जर्नी में जितने टाइम भी स्पीकर्स को निकालते हैं, अनबॉक्स करते हैं, हर बार एक एक्साइटमेंट होती है। और इस बार की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही है, क्योंकि एक तो इसका साइज़ जो है वो ह्यूज है, ऊपर से जो ये मटेरियल है या मतलब जो पावर है ना, वो मतलब देखने में ही अपनी पावर का अंदाज़ा दे रही है। यानी कि अभी हम लोगों ने इसको किसी भी तरीके की पावर नहीं दी है, मगर स्पीकर जो है अपनी जो खासियत है वो बता रहा है। अब कुछ चीज़ें इसकी हम लोग डिटेलिंग जो है उसको देख लेते हैं, क्योंकि एक अच्छा स्पीकर और ख़ास तौर से बेस का स्पीकर जब तक मजबूत नहीं होगा ना, जब तक दम वाला नहीं होगा, तो बेस कैसे देगा आपको। बेस देने के लिए उसको मजबूत होना ज़रूरी है, उसके मटेरियल को, हार्डवेयर को मजबूत होना ज़रूरी है। तो अभी सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हार्डवेयर की, उसके बाद में जो मेरे पास इसके पैरामीटर्स हैं, जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, वो डिटेल में आपको देके जाऊंगा। खास तौर से आपको बताता हूँ कि आप एक बार डिस्क्रिप्शन को भी चेक करें, क्योंकि जो पैरामीटर्स मैं यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंटली नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं, अभी जर्नल जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनका क्या मकसद होता है कि भाई स्पीकर अच्छा है, ठीक है, क्वालिटी ठीक है, भाई ने भी बताया ठीक है, एक बार यूज़ कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने पैरामीटर्स की वो जो चीज़ें हैं ना, जो अंदरूनी चीज़ें हैं, उनसे इतना कोई मकसद खास होता नहीं है। तो उनको यहाँ हम छेड़ेंगे भी नहीं, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, आप लोग उनको देख लीजिएगा। अब मैं आपको इसकी जो चीज़ें मुझे अपनी आँखों से नज़र आ रही है, मैं वो चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूँगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं इसकी देख रहा हूँ वो मुझे इसका यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो वायर का स्ट्रक्चर है, फुल स्लीव वायर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, जो जिसे कहा जाएगा ना वायर की जो महसूस किया जा सकता, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर्स इसके अंदर यूज़ की हुई हैं, जो कि पर्दे से किसी भी तरीके से आपके टच नहीं होंगी। अब इसके अंदर एक खासियत मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो ये स्पाइडर है ना, येलो कलर का स्पाइडर, अगर आप वहाँ से देख पा रहे हो, मैं चाहूँगा कि आप जूम करके अंदर भी आएँ और इसे देखें। इसको टाई करने के लिए ऊपर से अलग से एक रिंग दी हुई है, और रिंग को आप लोग देखेंगे, रिंग के ना ये यहाँ पर एलन की नट बोल्ट दिए हुए हैं, जिससे कि इसके जो स्पाइडर है वो खिंच के बाहर ना जाए, पर्दा वो बाहर ना जाए। इस तरीके से चेसी की बात की जाए, काफ़ी हैवी चेसी है, वॉइस कॉयल मैंने आपको बता दी, 5.5 इंची की वॉइस कॉयल है। दोस्तों अगर हम बात करें इसको, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे जो ज़्यादा हमारे काम की चीज़ होती है पर्दा, इसको पर्दे को हम देखते हैं कि सबसे अच्छा पर्दा मलेशियन पर्दा होता है, मलेशियन कौन होता है, इसके अंदर मलेशियन कौन रखा हुआ है। मटेरियल की बात की जाए तो पेपर पल्प इसके अंदर यूज़ किया जाता है, और अच्छी क्वालिटी का मलेशिया का माना जाता है, वही इसके अंदर यूज़ किया। पैरी डबल लेयर पैरी है, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर आपको ड्यूल मैग्नेट दिख जाएगी, इसका ड्यूल मैग्नेट है। अब इसके अंदर हम जो देखेंगे खासियत, वो हमें देखने के लिए मिलेगी यहाँ, जो ये इसके कनेक्शन है, इसके कनेक्शन काफ़ी हैवी हैं, क्योंकि यहाँ हैवी होना ज़रूरी, इसलिए कि 5000 वाट तक की इसकी पीक पावर जाती है। जब 5000 वाट की पीक पावर ये निकालेगा तो इसके जो कनेक्शन है वो गर्म हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी और हैवी क्वालिटी का मटेरियल लगाया है, जिससे कि इसके कनेक्शन मेल्ट ना हो। यहाँ हार्डवेयर हमने देख लिया, एक बार इसको हम रिटर्न करते हैं, यानी कि इसे उल्टा करते हैं, फिर वहाँ पर इसको देखते हैं कि वहाँ हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों जब हम स्पीकर को मैग्नेट की तरफ से ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी नज़र पड़ती है वो पड़ती है ब्रांडिंग के ऊपर, कंपनी का नाम दिया हुआ है, उसके बाद इसका मॉडल नंबर है LF21-2500 इसका मॉडल है, जिससे कि आप कंपनी को बता सके कि क्या चीज़ आपको चाहिए। वो इस तरीके से ब्रांडिंग की हुई है, डबल लेयर इसकी मैग्नेट है, ये मैंने आपको बता दिया। फोर्जिंग किट काफ़ी हैवी है, इस मोटाई की फोर्जिंग किट कम ही स्पीकर में आपको देखने के लिए मिलती है। मोटा मोटी स्पीकर की हम लोगों ने जो हार्डवेयर था वो सारा देख लिया, लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, इतनी मोटी मोटी एलन की इसको फोर्जिंग किट को रोकने के लिए लगाई हुई है, मैं कोशिश करूँगा कि आप देख पाएँ, और एक बार कोशिश मैं यहाँ से आपको कर रहा हूँ। ये देखिए आप, काफ़ी मोटी मोटी एलन की इसके अंदर लगाई गई हैं, और इसके बाद आप सोच सकती है कि किस तरीके का तूफान आने वाला है बेस के साथ। अब इसके पैरामीटर्स कुछ मैं आपको जो कंपनी ने लैब के अंदर निकलवाए हैं, यानी कि इन स्पीकर्स को जब लैब के अंदर टेस्ट किया जाता है, इसके पैरामीटर्स होते हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पैरामीटर्स का फ़ोटो आपको डाल दिया जाएगा, आप फ़ोटो भी देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने पैरामीटर्स दे दिए।
अब मैं कुछ इसकी जो बातें हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दोस्तों अब जो मेरे हाथों में है ये पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हमेशा एक रिकमेंडेड लैब के अंदर निकाले जाते हैं। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी पैरामीटर्स निकाल दिया और उसको माना जाए। ये फोटो आप देख रहे हैं, पैरामीटर्स की फोटो है। अब मैं कुछ पैरामीटर्स जो हमारे काम के होते हैं, जिनको देख के हम स्पीकर्स यूज़ करते हैं, वो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले इसका साइज़ दिया हुआ है, अगर इंचेस में इसका साइज़ देखा जाए 21 इंची, ये 21 इंची इसका साइज़ हो जाता है। एमएम के अंदर अगर आप माप रखते हैं 535 एमएम का इसका डायमीटर है। मैक्सिमम पावर, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम पावर पैरामीटर्स के अंदर 5000 वॉट की इसकी दी हुई है। आरएमएस पावर 2500 वॉट दी हुई है। इम्पीडेंस इसका 8 ओम्स है। रिस्पॉन्स रेट की बात की जाए 36 हर्ट्ज इसका रिस्पॉन्स रेट है। अगर वहीं पर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए 3600 to 1200 हर्ट्ज ये इसका हो जाता है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स रेट। सेंसिटिविटी की बात की जाए 98 डेसिबल की इसकी सेंसिटिविटी है। वॉइस कॉइल के डायमीटर की बात की जाए, यानी कि वॉइस कॉइल का जो डायमीटर है वो 5.5 इंचेस का डायमीटर है। वहीं पर 140 mm का इसका डायमीटर हो जाता है। अगर वाइंडिंग मटेरियल की बात की जाए तो वाइंडिंग मटेरियल इसका P1 है। मैग्नेट का 110 ओम्स इसकी मैग्नेट है। ये पैरामीटर्स हो गए, फोटो मैंने डाल दिए, आप लोग चेक कर लें। अब हम चाहेंगे कि इसको हम यहाँ पर हल्का सा दिल को तसल्ली दें और हिलाकर देख लें। उसके साथ कुछ डिस्कस मैं आपके साथ और करना चाहूँगा। मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं जो मेरे साथ हैं। मैंने स्पेशल लगाया हुआ है, जो कारीगर हैं उनको बोल के लगाया हुआ कि इसका जो इसका बॉक्स बनेगा वो इस पावर के हिसाब से बन के तैयार हो रहा है कि ये 5000 वाट की पावर को झेल सके। आप लोगों का प्यार है, आप सपोर्ट कीजिएगा कि मैं उस वाली वीडियो को मैदान के अंदर भाइयों के साथ साझा कर सकूं। प्राइस बताऊंगा और जो बातें हैं वो सारी मैं आपको बता के जाऊंगा, लेकिन उससे पहले पर्दा हिलाना ज़रूरी है। तो आइए चलिए इसका पर्दा हिला लें। तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे कहा था, इसका पर्दा हिला लेते हैं। एक मान के चलिए 2500 वाट का स्पीकर हो, 5000 वाट तक जाएगा, पर्दा भी हिलाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो वायरिंग इसको दे दी गई है, कनेक्शन कर दिए गए हैं, 8000 वाट का एम्पलीफायर इसको दिया गया, सिर्फ एक स्पीकर का पर्दा हिला के चेक कर रहे हैं। यहाँ ये आपको चेक करके देखने स्पीकर कैसा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों खुले में ये जिस तरीके का आतंक निकाल रहा है ना, अगर इसको बॉक्स के अंदर जो तैयारी है उसके अंदर डाला जाएगा फिर कैसा लगेगा ये आप समझ सकते हैं। एक बार पर्दा और हिला लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये चीज क्या। बस काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ हिलने को मिला, क्योंकि ये जो इसका बेस है जिसके ऊपर इसको हमने स्टैंड किया हुआ है, यहाँ पर ये किस तरीके से हमने रखा हुआ है ये हमें ही पता है। अब यहाँ पर बात की जाएगी प्राइस की, और आप इसको खरीदें या ना खरीदें इसके बारे में विचार किया जाएगा, वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी 18 इंची के अंदर 5 इंची वॉइस कॉल में एक मजबूत स्पीकर की पकड़ नहीं बना पाए तो 21 इंची पर मूव करना आपके लिए कठिन परीक्षा होगी। लेकिन आप 18 इंची में एक अच्छी पकड़ रखते हैं तो आप यहां पर मूव कीजिए, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। 5000 वाट की पावर एट लास्ट आपके हाथ में होगी। पूरा मिलाया या तो 20000 वाट का बेस आपका हो जाता है। ऐसे बेस दो ही काफ़ी हैं। अब इसके प्राइस की हम एक बार आपस में गुफ्तगू कर लेते हैं। तो ये जो प्राइस है, अभी इनिशियल स्टेज पे कंपनी के साथ बात की गई तो कंपनी ने इसका प्राइस 25000 अराउंड, ये डिपेंड करता है आपके यहाँ ये कितने का मिल रहा है, वहाँ पर आपको डिस्काउंट क्या मिल जाएगा, ये रेट आज का है, कल क्या रेट होगा, उसकी यहाँ पर किसी भी तरीके की आपके साथ में कमिटमेंट नहीं है। क्योंकि देखिए कंपनी की चीज़ है,
जिसका आइटम उसका रेट, जैसे वो बेकें, जिस तरीके से आपको मिले, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिल्ली व्लॉग्स के साथ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।